सो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कभी देखा नहीं है, कभी मैंने किया नहीं पहले. एंड दिस इज कॉल्ड लॉकअप. एक जेल है जहाँ सब लोग आके रहने वाले हैं. एंड कैसे रहने वाले हैं मुझे पता नहीं. मैं करते करते डिज़ाइन करते हुए भी मेरे को भी टेंशन आ रहा था, बाप रे बिग बॉस अलग है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. दिस इज लाइक अ लॉकअप विच नेवर सीन बिफोर. इफ अगर मैं इधर रहता तो मैं तो पागल हो जाता. इट्स लाइक लग्जरी नहीं है, बेड भी वैसी है जैसे जेल में होते हैं. बाथरूम में तो हमारे पास बहुत सारे एक एक पहलू हैं जो आपको अर्न करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शावर कर्टन नहीं है, आपको शावर कर्टन अर्न करके कमाना पड़ेगा तो आप कर्टन से जाके अंदर नहा सकते हैं. फिर अगर वो शावर कर्टन को दरवाज़ा बनाना है तो वो भी एक पूरा एक टास्क करना पड़ता है तो दरवाज़ा होगा. हर चीज़ के लिए आपको फाइट करके कमाना पड़ेगा. पिलो लग्जरी पिलो है, वो भी एक टास्क है. जैसे आप देख रहे हो ये पूरा जो लॉकअप है इस तरह बनाया कि एक फोर्टिफाइड है, 45 प्लेस है जहाँ से कोई निकल नहीं सकता है. इधर यहाँ वार्डन लोग हैं, यहाँ इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है कि बाब वायर से करके द मेटल शीट्स द स्टोन वॉल एवरीथिंग इज सो रियल. इवन इनफैक्ट वो भी कितने दिन गिनने वाले हैं, कहाँ वाले दिन का अता पता नहीं होने वाला है इनको. एंड बहुत ही स्ट्रेनस स्टे होने वाले. प्लीज एंटर. दिस इज आवर जेल. और जैसे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में कैफेटेरिया टाइप ऑफ जगह है जहां लोग खाना यहां से लेके वहां खाएंगे. लेकिन तो भी जेल में जैसे होता है एक प्लेस जहां वो लोग टीटी खेलेंगे या कुछ खेलेंगे, तो ये वो एरिया है, ओपन एरिया है. बट यहां ये है हमारा किचन जो मैं बता रहा था आपको. और किचन में दिस इज द हाईलाइट जहाँ वो लोग जो भी बर्तन धोएंगे या नीचे बैठ के ही धोएंगे. यहाँ से पानी खुलेगा और यहीं से धोना है. दिस इज द फर्स्ट टाइम, वी नेवर डन बिफोर. एंड इफ यू सी एवरीथिंग इज वेरी रॉ. जो बर्तन भी वैसे हैं जो जेल में मिलते हैं, वही बर्तन हमने इनको दिए हैं. एंड ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी करके भी हमने थोड़ी थोड़ी सुविधा भी दी है, जो जहाँ से कुकिंग करे तो इतना भी बुरा नहीं है. ये पूरा तो यस, किचन विल नेवर ओपन फॉर देम थ्रू आउट. अर्न करो पॉइंट्स और फिली खुलने वाला है. एंगल आ जाए. दिस एज यू सी इज टू साइड्स ऑफ द बेडरूम, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ए टीम एंड बी टीम. एंड ऑब्वियसली झगड़े भी बहुत होंगे. एंड अक्रॉस द बार सब लोग एक दूसरे को सुनाते रहेंगे जो भी करना है. बट यस, दे कांट एस्केप फ्रॉम हियर. एंड तभी खुलेगा जब वार्डन चाहेगा, जब कंगना जी चाहेंगे. एंड एवरीथिंग विल ओपन ओनली व्हेन द पुलिस एंड वार्डन अग्री. अब मैं जा नहीं सकता उधर, लेकिन अगर जाऊँ तो ये अलाउड नहीं है उनको, तो ये कोशिश करने वाले हैं. कोशिश करेंगे, लेकिन अगर गए तो सजा मिलेगी. दिस इज द बेड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सबकी पेटियाँ हैं, अपने कपड़े जो लेके आएंगे बस इसमें रहेंगे. एंड ऑब्वियसली बेड बने हैं आयरन के, सो दे कैन स्लीप लाइक दैट. तो डिटेलिंग जो देख रहे हैं आप वॉल पर, द जालीज एंड द मेटल वॉल इज व्हाट आई लव. एंड ऑब्वियसली द अदर रूम्स आर इनसाइड व्हिच इज द झोल घर. एंड बहुत सारे इस रूम के पीछे, इस दरवाजे के पीछे बहुत सारे खुफिया रूम्स हैं जो आपको अभी देखने नहीं मिलेगा. अभी के लिए बस इतना ही है. थैंक यू. थैंक यू. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.